नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर वो अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि दिल्ली में प्रवेश कर बुराड़ी के मैदानों में उन्होंने प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उन्हें ये मैदान बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। संघू बॉर्डर पर पहुंचकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसानों का यह कहना है कि जब मांगे मानी नहीं जाती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब और हरियाणा से किसी भी कोने से आप 8 या 10 घंटे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली के लिए निकले 144 घंटे हो गए, दिल्ली नहीं पहुँच सके अपने किसान। किसान अगर हर हाल में दिल्ली आना चाहते हैं, तो सरकार भी किसी भी हाल में दिल्ली नहीं आने देना चाहती। सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डरों को देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए कि सरकार कंटीले बैरिगेट से लेकर सड़कों में गड्ढे खोदने की आलोचना से पीछे नहीं हटती है। आज इसी तरह दिल्ली की सीमाओं को फिर से सख्त कर दिया गया है। जैसे कि किसानों ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा रास्तों का घेराव करेंगे। किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा कि बातचीत से पहले ऐसे शर्त क्यों की? किसानों को पहले बुराड़ी में जमा होना होगा। किसानों को आशंका थी कि सरकार किसानों को बुराड़ी में जमा कर जेल में बदल देंगी। उन्होंने कह दिया कि वे बुराड़ी पार्क नहीं जाएंगे और दिल्ली आने वाले सभी रास्तों का घेराव करेंगे। सोनीपत, रोहतक, जयपुर, गाजियाबाद, हापुड़ और मथुरा से दिल्ली आने के रास्तों को जाम कर देंगे। इसे देखते हुए रविवार शाम को सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी बैठक हुई थी। सुबह होते ही किसान दिल्ली आने के रास्तों पर जमा होने लगे। प्रकाश परब उनकी इसी तरह बीत गई। अपने मुद्दों के लिए लड़ते हुए नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच खींचातान जारी है। वही सियासी पार्टियों में भी घमासान हो रहा है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक पीएम ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इसके बाद विपक्ष की कुछ पार्टियों ने सरकार पर पलटवार कर दिया। किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की किसी ओर से 5 झूठ बोले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अराजक नहीं है, इस आंदोलन से लीडरशिप है, नेतृत्व है। ये आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने खेती किसानों से जुड़े इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी पार्टी एनडीए को छोड़ भी सकती है। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन याद से दबाइए।